भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार के समय की बहुत योजनाओं के नाम बदल दिए। आप जानते हैं देश में सबसे बड़ा बलिदान हुआ इंदिरा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का। आप मुझे ये बताइए, इंदिरा जी देश की पूर्व प्रधानमंत्री रही और उनके नाम पर जो योजनाएं चल रही थी, इंदिरा रसोई योजना, अब योजना का नाम बदल दिया आपने, इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलने के साथ आपने दूसरा काम और कर दिया। अब यदि कोई दूसरी थाली लेता है 8 रुपए में, तो उसको दूसरी थाली नहीं मिलती है। योजनाओं के नाम भी बदल दिए और कई योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया, कई योजनाएं बंद कर दी। पिछले 11 महीने में भाजपा सरकार आंगनबाड़ी के और सरकारी स्कूल के बच्चों को दूध उपलब्ध नहीं करा रही है, दूध नहीं मिल रहा है सरकारी स्कूल के बच्चों को। हमने दूध शुरू किया था, सरकारी स्कूल के बच्चों को हम फ्री में हर वर्ष यूनिफॉर्म देते थे, वो यूनिफॉर्म अब तक उपलब्ध नहीं कराई, एक वर्ष पूरा होने को आया। हमारी सारी योजनाएं ये बंद करते जा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कांग्रेस सरकार की कोई भी जनकल्याणकारी योजना बंद नहीं की जाएगी। और बीजेपी जो पाप कर रही है, जनता के साथ जो धोखा कर रही है, हमारी योजनाओं के नाम बदल रही है, उससे ना तो बीजेपी को सही मिलेगा, हमारी योजनाओं को बंद भी कर रही है। ये दोनों काम जो बीजेपी ने शुरू किए, इसका परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन सब का सीधा नुकसान आम जनता को हो रहा है। तो बीजेपी के लोगों से मैं कहूंगा, आप खुद की योजनाएं, नई योजनाएं बनाइए, जनता को कुछ रिलीफ दीजिए, लेकिन आपने 11 महीने में कोई काम नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदल दिया।